द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डाक टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी। यूपी के जनपद महाराजगंज नवरात्रि के सप्तमी तिथि पर आज गोरखा समुदाय के लोगों द्वारा फूलपाती शोभा यात्रा नगर के कुरवा टोल से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए निकाला गया। गोरखा समुदाय द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में माँ के प्रतीक के रूप में माँ के नौ रूपों में सजी छोटी छोटी बच्चियाँ आगे चलते हुए मिलिट्री कैंप तक पहुंची, जहाँ नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने माँ के नौ रूपों का चरण स्पर्श कर स्वागत कर आशीर्वाद लिया और नगरवासियों के सुख शांति व स्वास्थ्य के लिए मनुहार किया। इस अवसर पर गुड्डू खान ने बताया कि सद्भावना और एकता को मजबूती देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का समय समय पर होना जरूरी होता है। नवरात्र में माता उन सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं जो सच्चे मन से मुरादें मांगते हैं। इस अवसर पर शाहनवाज खान, बंटी पांडे, प्रमोद पाठक, धीरेन्द्र सागर, गोरखा समाज के नगर अध्यक्ष हिम बहादुर गुरुंग, राम कुमार थापा, हरि बहादुर गुरुंग, डमर बहादुर गुरुंग, दूल बहादुर थापा, विजय थापा, कुमार थापा के अलावा गोरखा समाज की महिलाएं बहुतायत संख्या में उपस्थित रहीं। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए नौतनवा से गुड्डू गुप्ता की रिपोर्ट। बहनों, हमारी बेटियों, आज का ये पर्व माँ दुर्गा के चरणों में सत सत नमन करते हुए, और मैं सबसे पहले आदरणीय हमारे हरि लोगों को माता रानी अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रहें, और हम लोग हर वर्ष ईश्वर की कृपा से माँ दुर्गा के आशीर्वाद से फूलपाती कार्यक्रम में सम्मिलित होकर माँ डॉक टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।